Good morning, all of you. Welcome to Gate Academy. Welcome to An Academy. So, finally, mega marathon for digital electronics. So, काफी दिन से मैं signals की कुछ classes ले रहा था. Fast track course भी मैं अभी ले रहा था signals का. So, काफी wait हम कर रहे थे कि digital का कब होगा. So, digital की class आज है. और इस बार for a change कोई private नहीं है. आपको जब अपनी कन्वीनियंस से देखना है आप अपनी कन्वीनियंस से देखिए. सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्राइवेट हो जाएगा, कोई प्राइवेट नहीं होगा. ठीक है, पैरेलल में हो सकता है एक दो क्लास भी चल रही हो. सो इस बार पूरा मैंने ओपन छोड़ दिया है कि ठीक है, इट इज योर विश, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए. अच्छा, कुछ नोट्स मैंने नहीं दिए हैं क्या? ठीक है, ओके. आर भारद्वाज कर लेंगे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलिए. सो रिवीजन है. ठीक है, रिवीजन का मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब होने चाहिए, पीवाईक्यूज, नॉन पीवाईक्यूज, एवरीथिंग. ठीक है, सो स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स. अब लॉजिक गेट्स में डेफिनेटली अब गेट एग्जाम इतने नजदीक है कि ये टेबल बताने की नीड नहीं पड़नी थी ये कि लॉजिक गेट में क्या टेबल होगा, कौन से गेट का. बट जस्ट एक 5-7 मिनट लगेगा मुश्किल से, एटलीस्ट एक सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यू करते. ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके, सो बहुत ही बेसिक अगर मैं एंड गेट से स्टार्ट करूं, सो एंड गेट का आपका जो टेबल है ए बी सी, आउटपुट इज ए डॉट बी डॉट सी. सो 8 कॉम्बिनेशंस आर देयर. कॉम्बिनेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो मुझे पता है कि आपको अच्छे से आता है, ये बताने की नीड नहीं है. बट ठीक है, जस्ट 5 मिनट है, थोड़ा सा वार्म अप टाइप का भी हो जाएगा और फिर अपन एक स्पीड भी पकड़ लेंगे. ठीक है, तो यही 8 कॉम्बिनेशन में सभी गेट्स के लिए यूज करने वाला हूं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, सो ये आपका कॉपी हो गया. तो अब देखिए, एंड गेट में ए डॉट बी डॉट सी. एंड गेट का हमें पता है कि एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट इज 0. एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट इज 0. आउटपुट एंड गेट का 1 कब होगा? ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1. ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1. नेक्स्ट और गेट, नेक्स्ट और गेट. ओके, अगेन यही कॉम्बिनेशंस यूज होंगे. दिस टाइम द एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी प्लस सी. और गेट में क्या है, जब सारे इनपुट 0 होते हैं देन ओनली आउटपुट इज 0. और अगर एक भी इनपुट 1 होता है, एक भी इनपुट अगर 1 होता है देन आउटपुट इज 1. एक भी इनपुट अगर 1 होता है आउटपुट इज 1. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट नॉट गेट की अगर मैं बात करूं, नॉट गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट. सो इनपुट इज ए, आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नैंड गेट की और नॉर गेट की. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नैंड गेट की और नॉर गेट की. सो अगर मैं नैंड गेट की बात करूं, ठीक है, और यहां पे वी विल टॉक अबाउट नॉर गेट. ठीक है, नैंड गेट में ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट है. नॉर गेट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ओके. अब यहां पे देखिए,
एक भी इनपुट अगर जीरो होगा तो आउटपुट विल बी वन, एक भी इनपुट अगर जीरो होगा आउटपुट विल बी वन, सारे के सारे इनपुट्स अगर वन होंगे देन ओनली आउटपुट विल बी जीरो, सारे के सारे इनपुट्स अगर वन होंगे देन ओनली आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो। अब नॉर गेट में जब सारे के सारे इनपुट जीरो होंगे तभी आपका आउटपुट वन होगा, और अगर एक भी इनपुट वन है देन योर आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो, देन योर आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो, देन योर आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो हो भी गया, चार गेट कंप्लीट, एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट बचे। ठीक है, एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट बचे। तो अगर मैं एक्सॉर गेट की बात करूं, ठीक है, और एक्सनॉर गेट की बात करूं, तो इनपुट्स ए एंड बी, सो आउटपुट कॉलम इज ए एक्सॉर बी, आउटपुट कॉलम इज ए एक्सॉर बी, और एक्सनॉर में इट इज ए एक्सनॉर बी। सो जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। ठीक है, एक्सॉर बी इज इनइक्वालिटी डिटेक्टर, जब भी इनपुट्स इनइक्वल होंगे तो आउटपुट डिटेक्ट होगा। एक्सनॉर इज इक्वालिटी डिटेक्टर, जब भी इनपुट्स इक्वल होंगे तब आउटपुट आपका डिटेक्ट होगा और बाकी केस में डिटेक्ट नहीं होगा। एक्सॉर गेट की बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, वी नो, उस पर भी अपन चलेंगे। ठीक है, सो लेट अस गो इनटू द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सॉर गेट। सो सबसे पहले एक्सॉर गेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स, या एक्सनॉर गेट के बारे में कुछ अगर स्टेटमेंट्स है तो ये आपका है इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है टू इनपुट्स के लिए, ये स्टेटमेंट वैलिड है टू इनपुट्स के लिए। एक्सॉर गेट के लिए जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इट इज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इट इज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इट इज वैलिड फॉर टू और मोर इनपुट्स, दो के लिए भी वैलिड है और दो से ज्यादा इनपुट्स के लिए भी वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर टू और मोर इनपुट्स, इट इज वैलिड फॉर टू और मोर इनपुट्स, इट इज वैलिड फॉर टू और मोर इनपुट्स। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम, एंड चलिए लेट अस कंटिन्यू। एंड अगेन वेरी गुड मॉर्निंग जो अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। सो एक्सनॉर गेट के लिए, एक्सनॉर गेट के लिए, सो एक्सनॉर गेट, सो द स्टेटमेंट इज इट इज इक्वालिटी डिटेक्टर, इट इज इक्वालिटी डिटेक्टर, इट इज इक्वालिटी डिटेक्टर। अगेन दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर टू इनपुट्स, अगेन दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर टू इनपुट्स, अगेन दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर टू इनपुट्स। देन वी हैव ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इट इज वैलिड फॉर टू और मोर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स। ये ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए स्टेटमेंट वैलिड है। And in the same way, even number of ones detector, even number of ones detector, even number of ones detector for two or more, for two or more even number of inputs, even number of inputs. ठीक है, आई एम श्योर की स्पीड फास्ट तो लगनी हुई होगी। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे। यस दैट्स गुड, परफेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसी का मतलब है कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स की बात करूंगा, अगर मैं ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे एक्सॉर और एक्सनॉर इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, this is equal to a xnor b xnor c। और यही अगर मैं फाइव इनपुट्स के लिए भी लिखूं तो a xor b xor c xor d xor e,
So this is equal to A x nor B x nor C x nor D and x nor E. ठीक है. सो फाइव ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए एक्स और एक्स नॉट इक्वल होते हैं. फाइन. ओके. सो अब अगर मैं बात करूं इवन नंबर ऑफ इनपुट्स की, तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स में एक्स और एक्स नॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है. तो या तो आप एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट लिखो, या तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स नॉट लिखो. इट इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के केस में ही ये कॉम्प्लीमेंट होता है. हम हमेशा बाय डिफॉल्ट पढ़ते हैं XOR XNOR कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, लेकिन हमेशा नहीं होता है. इट इज ओनली फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट. ऑड के लिए दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है. तो यहां पे आपका ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स की बात, इवन नंबर ऑफ इनपुट्स की बात है, मीन्स XOR B का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज XNOR B, और XOR B XOR C XOR D. तो चार इनपुट्स के केस में अगेन दिस इज A XNOR B XNOR C XNOR D. सो दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल गेट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पेशल गेट्स में अगर मैं XOR को एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दूं, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड बोथ होगा फॉर बोथ दी स्पेशल गेट्स. सो मैं मेंशन कर लेता हूं, इट इज वैलिड फॉर बोथ XOR एंड XNOR. ये दोनों के लिए वैलिड होता है, XOR एंड XNOR के लिए. ठीक है. अब ये क्या वैलिड होता है कि अगर मैं XOR गेट में या XNOR गेट में एक भी इनपुट को अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द XOR गेट या XNOR गेट. तो अगर मैं A को भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा देन ऑल्सो इट इज होल कॉम्प्लीमेंट. अब देखो B को मैंने किया तो होल कॉम्प्लीमेंट था. अब अगर आप ध्यान से देखोगे A को करूंगा तो भी ये होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड दीज डबल कॉम्प्लीमेंट विल ऑब्वियसली कैंसिल आउट ईच अदर. दीज डबल कॉम्प्लीमेंट विल ऑब्वियसली कैंसिल आउट ईच अदर. यस, परफेक्ट. नेक्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सो इफ ए एक्सॉर बी अगर सी के इक्वल है, तो यहां पे आपको पता है कि ये जो सी है वो बी के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, और जो सी है वो ए के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है. तो अगर बी और सी एक्सचेंज होगा तो ए एक्सॉर सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, एंड और देन और अगर मैं ए और सी को एक्सचेंज करूं तो सी एक्सॉर बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा. ठीक है. तो कभी भी स्पेशल गेट्स में अगेन इट इज वैलिड फॉर बोथ एक्सॉर एंड एक्सनॉर. It is valid for XOR and XNOR. ठीक है. ओके. इट इज वैलिड फॉर बोथ XOR एंड XNOR. ओके. देन अगर मैं स्पेशल गेट्स की बात करूं, देन अगर मैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में कुछ बात करूं, ठीक है, तो ए प्लस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. इसको जस्ट मैं एक
सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो कंक्लूजन हमारे सामने आ जाएगा। ये आपका नॉर गेट है, ठीक है, एंड इट इज बबल्ड एंड गेट, इट इज बबल्ड एंड गेट, इट इज बबल्ड एंड गेट, ठीक है। तो ये दोनों आपके या ये दोनों नोटेशन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। सो ये आपका ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इफ द इनपुट इज ए एंड बी, एंड ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इफ द इनपुट इज ए एंड बी, इफ द इनपुट इज ए एंड बी, इफ द इनपुट इज ए एंड बी, इफ द इनपुट इज ए एंड बी। सेम चीज दूसरे यूनिवर्सल गेट के लिए भी होगी, दैट मीन्स ए डॉट बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका नैंड गेट है, ये जो आपका नैंड गेट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट, 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 दिस इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड ऑर गेट। सो छोटी मोटी चीजें जो कि कहीं भी यूज हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। चलो अब यूनिवर्सल गेट्स की अगर मैं और बात करूं तो यहां पे एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट ए बी प्लस सी डी कैन बी मेड यूजिंग थ्री नैंड गेट। ए बी प्लस सी डी के जैसा कोई भी फंक्शन है वो थ्री नैंड गेट से बन जाएगा। दैट मीन्स अगर a प्लस बी है तो भी ये ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, अगेन ये आपका तीन नैंड गेट से बन जाएगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन है तो वो आपके तीन नैंड गेट से बन सकता है। जैसे अगर a प्लस बी सी है तो इसको भी आप लिख सकते हो a डॉट ए प्लस बी डॉट सी, तो ये भी आपका तीन नैंड गेट से बन जाएगा। तो ये भी आपका तीन नैंड गेट से बन जाएगा। इन द सेम वे, इन द सेम वे ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो ये आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी एक्सप्रेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी है तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो है वो तीन नॉर गेट से बन जाएगा, ठीक है, वो आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा। मान लो ए डॉट बी प्लस सी है, ए डॉट बी प्लस सी है, सो ये हो गया ए प्लस ए एंड ये हो गया बी प्लस सी, तो ये भी आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा, ये भी आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा, ये भी आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी आपका तीन नॉर गेट से बन जाएगा। देन आपके पास टेबल याद होगी, ठीक है, कि कौन सा गेट कौन सा फंक्शन जो है वो कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट से बन सकता है। तो नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, और कितने नैंड गेट से बन सकता है और कितने नॉर गेट से बन सकता है। सो द नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द बेसिक गेट एंड स्पेशल गेट, बेसिक गेट एंड स्पेशल गेट। सो ये आपका था 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। आई होप कि इसका सर्किट भी आपको याद होगा, आई होप इसका सर्किट भी आपको याद होगा, आई होप इसका सर्किट भी आपको याद होगा, ठीक है, आई होप इसका सर्किट भी आपको याद होगा, आई होप इसका सर्किट भी आपको याद होगा। ओके चल, देन अगर मैं कुछ क्वेश्चन स्पेस को प्रैक्टिस करूं, चलो दैट्स ग्रेट गुड। हाँ जस मनीष, आप बोल ही रहे थे और मैं क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं, ठीक है, आई एम कमिंग टू क्वेश्चंस ओनली।
ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि डेफिनेटली हमसे बनने चाहिए और बहुत इजीली बनने चाहिए। तो ए बी प्लस सी डी को बनाना है 2 इनपुट NAND गेट से, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट ए बी प्लस सी डी 3 NAND गेट से ही बनेगा, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए ये 2 NOR गेट है और दोनों का आउटपुट 3rd NOR गेट है, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी होता है। 2 NOR गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नॉर गेट में, 2 NOR गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नॉर गेट में, तो ये जो स्टैंडर्ड है वो ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी के जैसा होता है, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी के जैसा होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये नॉट गेट, तो ये जो चौथा इनपुट है वो डी नहीं है, वो जो फोर्थ इनपुट है वो डी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये होगा ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी के जैसा होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट है, यस एग्जैक्टली करेक्ट। ओके चलिए, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, ए प्लस बी सी को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 2 इनपुट गेट ऑफ ओनली वन टाइप। सो बेसिकली यूनिवर्सल गेट से बनाने की बात कर रहा है, और जब भी यूनिवर्सल गेट की बारी आएगी आपको नैंड और नॉर दोनों से ट्राई करना है, और जिसमें आपको मिनिमम आंसर मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि इनडायरेक्टली आपको बोला है यूनिवर्सल गेट से बनाओ, तो आपको दोनों से ट्राई करना है, नैंड गेट से भी या नॉर गेट से भी, एंड जो उसका मिनिमम आंसर होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी सी कैन बी रिटन एज ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी, तो ये आपका 3 NAND गेट से बन जाएगा। और ए प्लस बी सी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और अगेन ये आपका 3 NOR गेट से बन जाएगा, अगेन ये आपका 3 NOR गेट से बन जाएगा। तो कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में दोनों का आंसर सेम है कि 3 और 3, तो डेफिनेटली फाइनल आंसर आपका 3 होगा, फाइनल आंसर आपका 3 होगा। बट आपको ध्यान रखना है अगर आगे क्वेश्चन में ऐसा आता है तो आपको दोनों में चेक करना है, नैंड गेट एंड नॉर गेट में आपको दोनों में चेक करना है। ठीक है, यू हैव टू चेक फॉर बोथ, यू हैव टू चेक फॉर बोथ। चलो तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी को हमें इंप्लीमेंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स, हमें इंप्लीमेंट करना है मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स। तो यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो ए और सी को एक साथ, और डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को आप अलग कर सकते हो। ठीक है, अब ये ए डॉट सी का भी मतलब ये है कि भाई ए और सी के बीच में तो डॉट ही है ना, और इसका डॉट है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसका डॉट है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसका डॉट है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब ये देखो ये जो आपका एंड फंक्शन है ये 2 NAND गेट से बनेगा, ये 2 NAND गेट से बनेगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये 1 NAND गेट से बनेगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये 1 NAND गेट से बनेगा, और ये डॉट के लिए अगेन आपको 2 NAND गेट लगेंगे, ये डॉट के लिए अगेन आपको 2 NAND गेट लगेंगे। सो टोटल अगर आप देखोगे 2 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका 5, सो टोटल 5 NAND गेट से ये फंक्शन बन जाएगा। यस टोटल 5 NAND गेट से ये फंक्शन बन जाएगा, टोटल 5 NAND गेट से ये फंक्शन बन जाएगा, टोटल 5 NAND गेट से ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, टोटल 5 NAND गेट से ये फंक्शन बन जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके सो
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट आपको एक्स इज इक्वल टू वन बोल रहा है और वो कौन सी कंडीशन में आएगा. सो आउटपुट एक्स इज इक्वल टू वन कौन सी कंडीशन में आएगा ये आपसे पूछ रहा है. आउटपुट एक्स इक्वल टू वन कौन सी कंडीशन में आएगा. सो ये आउटपुट एक्स इज इक्वल टू वन है, तो अगर आउटपुट एक्स इक्वल टू वन है तो एंड गेट के जो तीन इनपुट है वो तीनों के तीनों इनपुट वन होंगे. एंड गेट के तीनों इनपुट वन होंगे तब जाके आउटपुट आपका वन आएगा. तो आपका सी की वैल्यू तो वन हो गई, ठीक है. और एक्स नॉर का आउटपुट वन है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. तो अगर ये वन है तो आपका ये भी वन होना चाहिए, तभी इक्वालिटी डिटेक्टर का आउटपुट, तभी इक्वालिटी डिटेक्टर का आउटपुट आपका वन आएगा. तो चलो आपका बी भी वन हो गया. अब ये एक्सॉर है, इन इक्वालिटी का आउटपुट वन है तो ये इन इक्वल होने चाहिए. तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये आपका है जीरो डबल वन, ये आपका है जीरो डबल वन, ये आपका है जीरो डबल वन, दिस इज जीरो डबल वन. चलो ग्रेट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैच द फॉलोइंग करना है आपको, ठीक है. कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है. तो फर्स्ट है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के. तो आपका पी मैच होगा फोर से, ठीक है. तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. अब देखो बी, अब देखो इस क्वेश्चन की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में मैच द फॉलोइंग के लिए आपको टाइम कैसे सेव करना है वो यहां पे देखिए. बी और डी की पॉसिबिलिटी है. अब देखो आप क्यू को चेक करोगे तो वो तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि भाई क्यू तो टू आएगा ही आएगा. तो क्यू में अपना दो भी सेकेंड वेस्ट मत करो, आप आर एंड एस में किसी भी एक को चेक कर सकते हो. चलो मैं आर को चेक कर लेता हूं, ठीक है. लेट मी चेक आर. तो आर को अगर आप देखोगे तो ये आ गया ए एक्सॉर बी, ये आपका आ गया ए एक्सॉर बी, और यहां पे आपका ए कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर विथ, ए कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर विथ बी. तो ये आपका पूरा का पूरा एक इनपुट जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट में हो जाता है और दिस इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए एक्सॉर बी है, और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये भी ए एक्सॉर बी होगा. प्रॉपर्टी हमने क्या यूज की, स्पेशल गेट में एक इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट. स्पेशल गेट्स में एक इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट, इज इक्विवेलेंट टू द होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपका ए एक्सॉर बी आ गया. तो आर इज कनेक्टेड विथ थ्री, ठीक है. तो ये आपका कैंसल आउट हो गया. तो डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर. सो बात सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं है, बात ये है कि मैच द फॉलोइंग में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप अपना टाइम कैसे सेव करेंगे, आप अपना टाइम कैसे सेव करेंगे, ठीक है. चलो ग्रेट. सो जो लोग जानना चाहते हैं कि ये क्लास कितने ड्यूरेशन की होगी, तो 12 बजे से 3 बजे तक ये क्लास चलेगी, 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है. और यही सेम शेड्यूल आज 14th, कल 15th और परसों 16th, सेम शेड्यूल तीनों दिन फॉलो होगा, सेम शेड्यूल आपका तीनों दिन फॉलो होगा. एक्सटेंड हो सकती है आधा एक घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई टॉपिक या कुछ क्वेश्चंस मेरे को करवाने हुए तो. अदरवाइज प्लानिंग जो है वो 3 घंटे की है, अदरवाइज प्लानिंग जो है वो 3 आवर्स की है, ठीक है. प्लानिंग 3 आवर्स की है. ओके यहां पे अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग does not represent exclusive NOR. XNOR, exclusive NOR is what? XNOR, ठीक है. This is nothing XNOR. XNOR कौन सा नहीं है आपको पूछ रहा है, ठीक है. तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये X XOR Y का whole complement हो गया, तो ये तो XNOR आ गया है, ठीक है. तो ये XNOR है आपका, ओके. और इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो definitely X XNOR Y का ही एक्सप्रेशन है. और इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन एक्स एक्सॉर वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर वाई. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, तो ऑप्शन डी फॉर डेली होगा, क्योंकि ये हो गया एक्स एक्सॉर वाई का डबल कॉम्प्लीमेंट, द
दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सोर वाई. सो ऑप्शन डी जो है वो एक्सक्लूसिव नॉर नहीं है, एक्सक्लूसिव और है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, चलो ऑप्शन डी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका ए एक्सोर बी, ठीक है, दूसरा है ए एक्सोर बी. तो ये देखिए, ये तीन इनपुट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट एंड थर्ड इनपुट, ये सी है. और ये तीनों का कौन सा गेट है? एक्सोर है. ये तीनों का है एक्सोर. दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये इक्वल टू एफ दिया हुआ है. सॉरी, हाँ यस. अब देखो ये इक्वालिटी डिटेक्टर होता है, बट ये दोनों तो इनइक्वल है. ये दोनों इनइक्वल है, ये दोनों इनइक्वल है. तो अगर ये दोनों इनइक्वल है तो भाई इसका आउटपुट जीरो होगा. जीरो एक्स नॉर विथ सी इज इक्वल टू एफ. अब यहां पे एक पॉइंट और हम कर सकते थे, मैं यहां पे लिख ही देता हूं अपने नोट्स में. चलो एक पॉइंट हम और लिख सकते थे स्पेशल गेट्स के लिए. तो अगर मैं एक्सोर को वन के साथ, एक्सोर वन के साथ करता हूं तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, और सेम चीज एक्सोर अगर मैं जीरो के साथ करता हूं तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है. तो एक्सोर अगर वन के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है तो जीरो के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा. एक्सोर अगर जीरो के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है तो वन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा. वन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, वन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा. ठीक है, वन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा. तो यहां पे जीरो एक्स नॉर सी आ गया, तो ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ. और एफ कितना बोला है? एफ को वन आने के लिए बोला है. तो यहां पे सी की वैल्यू कितनी है? जीरो. तो जहां जहां पे भी सी की वैल्यू जीरो होगी, जहां जहां पे भी सी की वैल्यू जीरो होगी, जहां जहां पे भी सी की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ए बी एंड सी ऑल दी थ्री आर द करेक्ट ऑप्शन. ए बी सी ऑल दी थ्री आर द करेक्ट ऑप्शन. नहीं, बफरिंग अगर यहाँ से कुछ भी नहीं है, आपके एंड से होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए. यहाँ पे एकदम स्मूथ चल रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नोट हो गया इसको? यस, ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन. चल नेक्स्ट. सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वन एक्सोर एक्स टू एक्सोर एक्स थ्री एक्सोर एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो. एक्स वन एक्सोर एक्स टू एक्सोर एक्स थ्री एक्सोर एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट पॉइंट कि आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो. ठीक है, तो एक्स वन एक्सोर एक्स थ्री एक्सोर एक्स टू एक्सोर एक्स फोर एक्सोर है. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, सिंपल कम्यूटेटिव लॉ. ए एक्सोर बी इज इक्वल टू बी एक्सोर है, ए एक्सोर बी इज इक्वल टू बी एक्सोर है. आप यूज कर सकते हो, डेफिनेटली वही मैंने किया हुआ है. अब आप अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों का, ये दोनों, इन दोनों का जो एक्सोर है वो जीरो है. मतलब ये दोनों इक्वल है.
XOR जीरो तभी होता है जब ये दोनों इक्वल होते, जब ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब X1 XOR X3 इज इक्वल टू X2 XOR X4। दो क्वांटिटी का XOR जीरो तभी होता है, दो क्वांटिटी का XOR जीरो तभी होता है जब वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। दो क्वांटिटी का XOR तभी जीरो होता है जब वो दोनों इक्वल होते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। अब यहां पे आप दोनों में डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो, दोनों साइड आप डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी फंक्शन में अगर मैं सिंगल साइड भी डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूं तो देर इज नो प्रॉब्लम। तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, डबल कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि X1 कॉम्प्लीमेंट XOR विथ X3 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X2 कॉम्प्लीमेंट XOR विथ X4 कॉम्प्लीमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चल नेक्स्ट। सो एज्यूम दैट ओनली एक्स एंड वाई लॉजिक इनपुट आर अवेलेबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर नॉट अवेलेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉट अवेलेबल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट्स? सो एक्स एक्सोर वाई, एक्स एक्सोर वाई बनाने के लिए आपको चार नैंड गेट लगेंगे, यू विल नीड फोर नैंड गेट, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एज वेल, इफ यू वॉन्ट आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एज वेल। सो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीजें एकदम आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए और बी है, ये चार नाइन गेट से ए एक्सोर बी हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका एक्सनॉर। तो अगर XOR पूछा है तो चार नाइन गेट से बनेगा, और XNOR अगर चाहिए तो पांच नाइन गेट से बनेगा, XNOR अगर चाहिए तो पांच नाइन गेट से बनेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर फोर है, इस क्वेश्चन का आंसर फोर है, ठीक, परफेक्ट, चलो ग्रेट। चलिए, आई होप कि स्पीड बिल्कुल भी फास्ट नहीं लग रही होगी, ठीक है, एकदम सही लग रही होगी। ओके, सो डीले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डीले वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सो इनिशियली बोल रहा है कि ए और सी इक्वल टू जीरो है, और वो फ्लिप होंगे टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। सो ये अंटिल है, ठीक है, इट इज नॉट यूनिट, इट इज अंटिल, अंटिल टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस ए पहले जीरो है और फिर ये फ्लिप होगा, बी आपका एकदम ऑपोजिट है, बी पहले वन है और फिर फ्लिप होके जीरो होगा, और सी ओके। तो आपका ए और सी जीरो से फ्लिप होके वन होगा, अब बी जो है वन से फ्लिप होके जीरो होगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि सारे ही गेट्स का डिले जो है वो 20 नैनोसेकेंड है, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट विथ 0 नैनोसेकेंड ऑफ डिले, बी कॉम्प्लीमेंट विथ 0 नैनोसेकेंड ऑफ डिले, बी कॉम्प्लीमेंट विथ 0 नैनोसेकेंड ऑफ डिले। लेकिन नॉट गेट में भी डिले है 20 नैनोसेकेंड का, तो बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो जब तक एक भी इनपुट जीरो होगा तो आपका आउटपुट जीरो होगा। तो ये देखिए 20 पे आके
अब ये इसका डिले भी 20 नैनो सेकेंड है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का डिले भी 20 नैनो सेकेंड है, तो ये आपका 40 पे पहुंच जाएगा, ये आपका 40 पे पहुंच गया, ये ऑलरेडी 20 पे था, ये आपका 40 पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब आपको चाहिए ए बी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर विथ सी। पहले 0 नैनो सेकेंड की बात करेंगे, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है आपका और सी का मतलब ये है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों 0 है तो आउटपुट विल बी 0, और ये इनइक्वल है 0 से 40 तक, उसके बाद अगेन 0। तो आपका अगर ये 0 नैनो सेकेंड है तो ये आपका 0 से 40 तक होगा। और फाइनली फाइनली आप यहां देखोगे तो इसमें भी 20 नैनो सेकेंड का डिले है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर्व विथ सी में 20 नैनो सेकेंड का डिले है, तो ये आपका 20 से 60 तक आएगा। और ये जो 20 से 60 तक आएगा, ये आपका 20 से 60 तक है, तो अगर इसके ड्यूरेशन की बात है, तो ये आपका 40 नैनो सेकेंड आ गया, तो आउटपुट जेड इक्वल टू 1 कितने देर तक मिलेगा, 40 नैनो सेकेंड्स तक आपको मिलेगा, तो जेड इक्वल टू 1 20 से 60, सो व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन 20 टू 60, इट इज 40। चलो नोट हो गया, ओके चलो, ओके सो लेट अस गो टू चैप्टर टू। ओके सो नाउ चैप्टर टू इज बूलियन अलजेब्रा, नेक्स्ट चैप्टर इज बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में सबसे बेसिक लॉज की अगर मैं बात करूं, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 जिसपे पूरा बूलियन अलजेब्रा बेस्ड है, इस बेसिक और ऑपरेशन और बेसिक एंड ऑपरेशन पे पूरा का पूरा बूलियन अलजेब्रा बेस्ड है, तो वही बेसिक लॉज पहले मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूं। तो 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। देन डॉट के लिए 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1, 1.1 इज इक्वल टू 1, 1.1 इज इक्वल टू 1। फ्लोटिंग पॉइंट वाला है अगर आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस वालों को अगर आपको पता है, तो मैं 3 दिन से क्लासेस ले रहा था नंबर सिस्टम पे, ठीक है, कल भी मैंने लिया था, तो नंबर सिस्टम एंड हो गया है, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट होगा। आज क्योंकि ये मैराथन क्लास था तो मैं मैराथन में मैं जनरली कॉमन चीज़ों को ही ज़्यादा रखने वाला हूँ, इसीलिए नंबर सिस्टम और फ्लोटिंग पॉइंट मैं अलग से यूट्यूब में करवा रहा था, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट मैं करवा दूंगा, ठीक है, आज की क्लास 3 बजे तक रहेगी, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बेसिक है कि भाई 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक एंड गेट्स की बात करूँ, तो अब मैं वेरिएबल को इंक्लूड कर लेता हूँ,
तो अगर मैं वेरिएबल ए की बात कर रहा हूँ, सो ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं वेरिएबल के साथ और गेट की बात करूँ, तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। तो ये आपके बहुत ही बेसिक एंड और गेट के लॉज हो गए। दीज आर वेरी बेसिक एंड गेट एंड और गेट लॉज। दीज आर वेरी बेसिक एंड गेट एंड और गेट लॉज। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ पे अगर मैं आता हूँ, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ इज एज सिंपल एज दैट कि भाई किसी भी गेट के दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। किसी भी गेट के दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। किसी भी गेट के दोनों टर्मिनल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ, दोनों का मतलब एक ही है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी गेट के दो टर्मिनल हैं, किसी भी एक टर्मिनल पे ए दूंगा और दूसरे पे बी दूंगा, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल में कोई डिफरेंस है, दोनों के दोनों टर्मिनल इक्विवेलेंट है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कम्यूटेटिव लॉ। सो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ऑब्वियसली सभी गेट्स पे एप्लीकेबल होता है। ये आपका और गेट पे हो गया, ये आपका एंड गेट पे हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। देन उसके बाद आपका नॉर गेट पे भी आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। देन नैंड गेट की अगर मैं बात करूँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सोर गेट की अगर मैं बात करूँ, ए एक्सोर बी इज इक्वल टू बी एक्सोर ए। और अगर मैं एक्सनॉर गेट की बात करूँ, तो ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू बी एक्सनॉर ए। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी गेट आप ले लो, जैसे अगर मैं नॉर गेट भी लेता हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं नॉर गेट भी लेता हूँ, तो भाई इसके दोनों इनपुट है वो दोनों इनपुट इक्विवेलेंट है, इनमें आपस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे ए को लिखूँ, इसको बी को लिखूँ, या ए को नीचे लिखूँ बी को ऊपर लिखूँ, दोनों का मतलब आपका सेम होगा, ठीक है, दोनों का मतलब आपका सेम होगा। मीन्स कोई भी दो टर्मिनल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी भी गेट के दो टर्मिनल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास होगा एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ इज, पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूं। सिग्निफिकेंस ये है कि भाई अगर तीन इनपुट का मुझे एंड करना है, तो दो ही इनपुट अगर मैं एक गेट पे अप्लाई कर सकता हूं, तो इसके आउटपुट को मैं थर्ड के साथ अप्लाई करूंगा। तो अगर ये ए बी है और ये आपका सी है, तो भाई इन गेट जो है वो दो ही इनपुट के, गेट जो मुझे दिए गए हैं वो दो ही इनपुट के हैं, लेकिन तीन इनपुट ए बी सी का मुझे डॉट करना है। तो मैं किसी भी दो को पहले से कर दूं पास और उसके आउटपुट को मैं थर्ड के साथ पास कर दूं। तो ये अगर मैं ए बी को पहले दूंगा, या अगर मान लो मैंने बी और सी को पहले दिया होता, अगर मैंने बी और सी को पहले दिया होता तो भी टोटल आउटपुट आपका सेम आता। तो ये आपका है ए बी डॉट सी और ये आपका हो गया ए डॉट बी सी। तो दोनों का मतलब ऑब्वियसली सेम है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है एसोसिएटिव लॉ का कि भाई नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इनपुट्स इन दी गेट अगर कम है, तो कोई भी दो गेट को पहले सॉल्व कर लो और फिर उसके आउटपुट को थर्ड के साथ सॉल्व करो, तो किसी भी दो को आप पहले ले सकते हो। यही मीनिंग होता है एसोसिएटिव लॉ का।
तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन से गेट के लिए वैलिड है। तो जैसे कि मैंने एंड के लिए तो शो किया, तो ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी। तो ये ब्रैकेट ये शो करता है कि पहले ए बी को सॉल्व किए कि पहले बी सी को सॉल्व किए। ठीक है, सेम चीज ए प्लस बी। अगर मैं और गेट की बात करूँ, अगर मैं और गेट की बात करूँ, तो अगेन वहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने ए बी को पहले सॉल्व किया है या मैंने बी सी को पहले सॉल्व किया। मैंने ए बी को पहले सॉल्व किया है या मैंने बी और सी को पहले सॉल्व किया है। मैंने ए बी को पहले सॉल्व किया है या बी और सी को पहले मैंने सॉल्व किया। देन अगर मैं बात करूँ एक्सॉर गेट की, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर विद सी दिस विल बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बी एक्सॉर सी। और अगर मैं एक्सनॉर की बात करूँ तो ए एक्सनॉर बी, ठीक है, ए एक्सनॉर बी और एक्सनॉर विद सी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। ठीक है, अब अगर मैं यूनिवर्सल गेट की बात करूँ, जैसे अगर मैं नॉर गेट की बात करूँ, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले यहाँ बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया और प्लस ए के साथ ये होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये आपका इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होता है। और सेम वे में अगर मैं नाइन गेट की बात करूँ, तो ए बी का डॉट सी के साथ डॉट, और यहाँ पे पहले बी और सी का डॉट कर दो और फिर ए के साथ इसको डॉट कर दो, तो ये आपका इक्वल नहीं होता है। ये आपका इक्वल नहीं होता है, ये आपका इक्वल नहीं होता है। तो ये जो एसोसिएटिव लॉ है वो यूनिवर्सल गेट के लिए फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूनिवर्सल गेट के लिए फॉलो नहीं करता है, बाकी के लिए करता है। ठीक है, बाकी के लिए करता है, बाकी के लिए करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेंसस लॉ की, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंसेंसस लॉ की, सो यहां पे फॉर्मेट क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां पे फॉर्मेट होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे फॉर्मेट होता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ पे फॉर्मेट होता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। ओके, अब अगर आप इस फॉर्मेट को देखोगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक वेरिएबल दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, जैसे कि सी कॉम्प्लीमेंट भी है और सी नॉर्मल भी है, या यहाँ पे बी को मैंने कर दिया तो सेकेंड वाले में बी कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट है। एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में प्रेजेंट हो। अगेन रिपीटिंग, एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हो। एंड बेसिक फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये ए पे है और ये मान लीजिए आपका सी पे है, तो आप पहले जो वेरिएबल दोनों फॉर्मेट में है उसके टर्म्स को हाईलाइट कर दो। जैसे कि ये देखिए सी है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, सी है। ये देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल सी है, तो सी के दोनों टर्म्स को मैंने टिक कर दिया, और जो दोनों टर्म्स को टिक किया है वही आपको आंसर में मिलेगा, दैट इज बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, दैट इज बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, दैट इज बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। यहाँ पे वो कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है बी। बी देखिए कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों में प्रेजेंट है, तो यही दोनों टर्म्स आंसर में मिलेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। यहाँ पे ए इज द टर्म या ए इज दी वेरिएबल जो कि दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट है,
तो ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और ए प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड ए प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड ए प्लस सी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, सी इज दी वेरिएबल, तो आप देखिए सी के दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे, सी के दोनों टर्म्स, तो बी प्लस सी और ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एंड द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस।
ओके सो अभी एक बार चेक करके बता दीजिए, साउंड इज क्लियर? एक बार चेक करके बता दीजिए, साउंड इज क्लियर? ओके डोंट वरी, फिर से बता देता हूँ अगर ये पार्ट आपका मिस हुआ था तो। ओके सो देखिए, हाँ तो मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में अगर आपके पास एक इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में अगर आपके पास एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, अगर आप दोनों का डुअल निकाल दोगे, अगर आप दोनों का डुअल निकाल दोगे तो वो भी वैलिड इक्वेशन होगा, वो भी वैलिड इक्वेशन होगा। कैसे, ये देखिए, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए बी प्लस ए सी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दोनों तरफ आप डुअल अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई डुअल ऑन बोथ दिस साइड, 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 तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो अगर ये पहला इक्वेशन वैलिड है तो दूसरा भी वैलिड होगा। अगर एक वैलिड बुलियन इक्वेशन पे दोनों तरफ आप डुअल अप्लाई करते हो, दोनों तरफ अगर आप डुअल अप्लाई करते हो तो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो भी वैलिड ही होगा, आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो भी वैलिड ही होगा। अब डुअल निकालने के क्या स्टेप होते हैं ये भी आपको मैं याद दिला देता हूं। डुअल निकालने के स्टेप होते हैं, पहला स्टेप, जितने भी डॉट हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए प्लस के साथ, जितने भी डॉट हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए प्लस के साथ, जितने भी जीरोज हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए वंस के साथ, और एक आपको प्रिकॉशन लेना होता है, एक आपको प्रिकॉशन है, और ये प्रिकॉशन ये है कि वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, डू नॉट कॉम्प्लीमेंट दी वेरिएबल्स, 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 डू नॉट कॉम्प्लीमेंट दी वेरिएबल्स। देन हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ डुअल फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ डुअल फंक्शंस। तो डेफिनेशन सिंपल होती है, अगर फंक्शन का डुअल वापस फंक्शन के बराबर आ गया देन दे आर कॉल्ड एज सेल्फ डुअल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है सेल्फ डुअल फंक्शन की। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, अ फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक एग्जांपल है, अ फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अगर मैं इसका डुअल निकालूंगा तो ये होगा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी। अगर मैं इसका डुअल निकालूंगा तो यहां पे अगर मैं जस्ट इसको पूरा क्रॉस मतलब ओपन करके पूरा ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वापस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, तो आपका एफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ डुअल आ जाएगा, मींस ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है, ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है, दैट मींस ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है, दैट मीन्स ये आपका सेल्फ डुअल फंक्शन है। सो अगर मैं एन वेरिएबल्स की बात करूं, एन वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन फंक्शन
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बूलियन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2 to the power 2 to the power n। ऑब्वियसली जस्टिफाई किया जा सकता है, बट अभी हम रिवीजन वाले मोड में हैं तो जस्टिफिकेशन की नीड नहीं है। ठीक है, जस्टिफिकेशन की नीड नहीं है। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बूलियन फंक्शन इज 2 to the power 2 to the power n। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बूलियन फंक्शन इज 2 to the power 2 to the power n, आउट ऑफ विच नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउट ऑफ विच नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्फ डुअल फंक्शन आउट ऑफ विच नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्फ डुअल फंक्शन इज 2 to the power 2 to the power n-1। एन को जस्ट रिप्लेस करेंगे एन माइनस वन से। दीज आर दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डुअल फंक्शंस, सेल्फ डुअल फंक्शंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्फ डुअल फंक्शंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्फ डुअल फंक्शंस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्फ डुअल फंक्शंस। सो क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चंस पे स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपके सारे टेक्निकल एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं, गेट, आईआरएमएस, ईएससी, सीएससी। गोल नेम आपको चूज करना होगा गेट एंड ईएससी, डबल ईसी। 2024 and 2025 के लिए डेडिकेट बैचेस हैं, उड़ान बैच एंड बुनियाद बैच। करेंटली जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज सिग्नल्स एंड डिजिटल। और आप जब भी ये सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आपको कोड यूज करना है GA111। मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कोड यूज करेंगे GA111। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कीजिए 9713113156। ठीक है, प्लस एन आइकॉनिक में आपको कंप्लीट टीम मिलती है, अनअकैडमी गेट अकेडमी कंबाइंड टीम आपको मिलती है। सो बेस्ट टीम पॉसिबल आपके लिए, सारे लोग आपके साथ गेट की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। एंड यहां पे आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन और भी है, आप प्रतिज्ञा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये गेट अकेडमी का मोस्ट फेमस प्रतिज्ञा बैच है। सो ये बेसिकली अब और भी ज्यादा बेटर हो चुका है क्योंकि अनअकैडमी के ऐप पे है। अनअकैडमी के ऐप का मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया आपको मिलती है। डाउट क्लियरेंस के एक्सेलेंट मेथड होते हैं, क्लास के समय ही आप वॉइस कॉल के थ्रू अपने एजुकेटर से डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक पब्लिक वॉइस कॉल होता है जो कि बाकी लोग भी सुन सकते हैं, तो बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। सारे बेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स आपको मिलेंगे। तो प्रतिज्ञा बैच अब और भी बेटर हो चुका है और ये काफी अफोर्डेबल भी है, 5500 रुपीज फॉर 15 मंथ्स एंड 7500 रुपीज फॉर 30 मंथ्स। बट ये आपको बेस्ट प्राइसिंग तभी मिलेगी जब आप कोड यूज करेंगे GA111, कोड यूज करेंगे GA111। सो करेंटली वहां सिग्नल्स एंड सिस्टम्स चल रहे हैं। ठीक है, और ये है आपकी टीम गेट अकेडमी फॉर द प्रतिज्ञा बैच। ये डबल यू और ईसी का है मेरे पास अभी। ठीक है, सो सिमिलरली वी हैव अ टीम फॉर सीएस, और सीएस के लिए भी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस आइकॉनिक एज वेल एज द प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है। 5500 रुपीज फॉर 15 मंथ इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 4000 रुपीज फॉर 15 मंथ इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, सो ये प्योरली रिकॉर्डेड कंटेंट है, डे वन पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग गेट की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो पहले पढ़ना है जो बाद में पढ़ना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगेन ये जो बेस्ट प्राइसिंग है इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा GA111। सो यहाँ पे आपके पास PD और GD कोर्सेस के भी ऑप्शन हैं। ये जो गेट अकेडमी का मोस्ट फेमस अर्जुना कोर्स होता है,
तो ये आपको जो पीडी कोर्स है उसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क भी मिलती है, जिससे आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ इंटरनेट हो जाते हैं। आपको 1-2 महीने में एक बार वैलिडेशन के लिए वो मांगेगा, और पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 2-1 मिनट के इंटरनेट के बेसिक कनेक्शन की नीड होगी। उसके बाद ये वीडियोज़ देखने के लिए इंटरनेट फ्री है, ठीक है। और जी ड्राइव इज़ एज लो एज 3000 रुपीज़। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क मिलती है, प्लस लॉजिस्टिक्स की अलग जो कॉस्टिंग होती है, तो वो एक एडिशनल नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे ऐड है। पीडीजीडी के लिए आपको जाना है गेट एकेडमी की वेबसाइट पे, विच इज़ गेट एकेडमी .co.in। ये सारे ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। और इसके पहले जो मैं आपको प्लस आइकॉनिक और प्रतिज्ञा बैच बता रहा था, वो आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा, वो आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा, ठीक है। 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो AIMT को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, कंपलसरी मान के चलेंगे। काफ़ी एनहेंस होगी उनकी परफॉर्मेंस अगर वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देते हैं तो। कंपटीशन का भी पता चल जाएगा, और कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं सिली वो भी आपको पता चल जाएगी, सो दैट वो मिस्टेक्स को आप गेट एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे। इवन यू कैन विन दिस स्कॉलरशिप एज वेल, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कोड अगेन आपको यूज करना होगा GA1111। सो लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चंस पार्ट। ओके, सो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। वैसे तो हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, कुछ अगर मिस आउट भी किया होगा तो वो क्वेश्चंस पे कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस भी रखा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड अगर कुछ भी मिस आउट होता है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे डुअल लगाना है, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, प्लस और डॉट एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, दैट इज ऑप्शन ए। और ये कौन सा लॉ है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो जस्ट आपको पता होना चाहिए, दिस इज योर कंसेंसस लॉ। अगर ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर कंसेंसस लॉ, ठीक है। चलो, ऑप्शन ए, ओके। सो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने कम स्टेप में आप इसको सॉल्व करते हो। देखिए, जो भी गेट एग्जाम देगा 99% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व भी करेंगे और सही भी करेंगे। आई डोंट थिंक किसी से कुछ मिस्टेक होगी, 1% रेयर चांस है कि कुछ मिस्टेक होगी। इवन जो डेडिकेटली गेट की तैयारी नहीं भी कर रहा है, उससे भी ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितने जल्दी इसको बनाते हैं, सो दैट जो बाकी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं या लेंदी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हम टाइम ज़्यादा बचा सके। तो यहां पे देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है। ये दोनों में अगर आप देखोगे तो आपका एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई कॉमन आ जाएगा। और अगेन अगर आप देखोगे इन दोनों में, आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया और ये वाई और वाई कॉम्प्लीमेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। मीन्स ये आपका पूरा का पूरा माइंड कैलकुलेशन में एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ये जस्ट आपके माइंड कैलकुलेशन में आपको इवन पेन कॉपी की भी नीड नहीं पड़नी चाहिए इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इवन आपको पेन कॉपी की भी नीड नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चल गुड, आगे देखते हैं। If x and y are boolean variables, which of the following is equivalent to? So x xor y xor xy। पहली चीज, यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं ना,
है ना, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। XOR में ऐसा कॉमन नहीं निकलता है कि ये वाई कर दिए और ये वन XOR एक्स, ये एकदम ब्लंडर मिस्टेक है, दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्लस नहीं है, ये XOR है। अब जब भी आपके पास मल्टीपल XOR होते हैं, आपको हमेशा उसको दो इनपुट्स में ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे ये मेरा पहला इनपुट है और ये मेरा दूसरा इनपुट है, ये XOR। इस एग्जॉल को पहले सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको वन बाय वन सॉल्व करने, आपको एग्जॉल जब भी मिलते हैं मल्टीपल एग्जॉल, आप उसको एट अ टाइम एक ही एग्जॉल को सॉल्व कीजिए, एक साथ सब एग्जॉल को सॉल्व करना इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा एक्स एग्जॉल वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है डॉट एक्स वाई, देखो पहले का कॉम्प्लीमेंट डॉट सेकेंड प्लस फर्स्ट डॉट सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये एक्स नॉर आ गया, तो ये है एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये है डॉट एक्स वाई, और ये एक्सॉर है, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये भी आपका हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने हालांकि लिस्ट डाउन नहीं किया, बट आई एम श्योर डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको पता है, जस्ट वो डी मॉर्गन्स थ्योरम ही मैंने अप्लाई किया है। इफ यू वॉन्ट मैं यहाँ पे एड ऑन भी कर लेता हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम, लेट मी एड ऑन दिस वन, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी एंड सो ऑन, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, दिस होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। ओके चलो, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी लोगों का आंसर भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई आ गया और प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन दोनों में वाई कॉमन आ गया, ठीक है, और वाई के बाद अगर आप देखोगे तो इन दोनों में एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो आपका जो आंसर है वो आ गया x प्लस वाई, दिस इज द आंसर। x प्लस वाई का मतलब है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, x प्लस वाई का मतलब है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, ओके चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पे आपको सॉल्व करना है वन एग्जॉर पी एग्जॉर विथ पी एग्जॉर क्यू एग्जॉर विथ पी एग्जॉर क्यू एग्जॉर विथ क्यू एग्जॉर जीरो। तो यहां पे देखिए क्या क्या आप सॉल्व कर सकते हो, वन एग्जॉर पी आप सॉल्व कर सकते हो पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू एग्जॉर जीरो आप सॉल्व कर सकते हो क्यू। तो एग्जॉर वन के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और जीरो के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता,
XOR 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और 0 के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। XOR 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और 0 के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये दोनों इक्वल है और इक्वल इनपुट XOR पे अप्लाइड है तो आंसर विल बी 0, क्योंकि XOR इनइक्वालिटी डिटेक्टर है। अगर ये इनइक्वल होते तो डिटेक्ट होता, ये इक्वल है तो डिटेक्ट नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा। अगले स्टेप पे अगर आप देखोगे, XOR 0 के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो ये आ गया P कॉम्प्लीमेंट XOR विद Q, Q को 0 के साथ सॉल्व। देखो Q एंड 0 का XOR Q है, तो यहां पे भी Q एंड 0 का XOR Q होगा। स्पेशल प्रॉपर्टी कि भाई XOR में अगर एक इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड है, XOR में अगर एक इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड है तो वो होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपका होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट, ये आ गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। तो ये आपका आ गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, तो ये जो फंक्शन है वो क्या एक्स का इंडिपेंडेंट है, क्या वाई का इंडिपेंडेंट है, क्या जेड का इंडिपेंडेंट है, या किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मींस नन ऑफ एक्स वाई जेड इज रिडंडेंट, नन ऑफ एक्स वाई जेड इज रिडंडेंट। तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, तो ये आ गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड। एक ही स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, दो नैंड गेट दोनों का आउटपुट एक तीसरे नैंड गेट में, तो ए बी प्लस सी डी के जैसा होगा, ए बी प्लस सी डी के जैसा होगा, ए बी प्लस सी डी के जैसा होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होगा, आप कितना भी एफर्ट कर लो कोई भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां देखिए, दो नॉर गेट दोनों का आउटपुट एक थर्ड नॉर गेट में अगर जाएगा तो ये हो गया। अब देखो, होगा तो ये P प्लस Q डॉट Q प्लस R, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद सीधे आएगा Q प्लस पी आर। एग्जाम में ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, ये लिखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, Q प्लस पी Q प्लस R इज इक्वल टू Q प्लस पी आर। अगेन आप देखोगे R प्लस Q R प्लस P, तो ये आएगा R प्लस पी क्यू, ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करके होल कॉम्प्लीमेंट करना है, Q प्लस पी आर प्लस R प्लस पी क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन आप देखो, फर्स्ट और लास्ट में Q आ गया, मिडिल के दो टर्म्स में R आ गया, Q प्लस R का होल कॉम्प्लीमेंट। दो से तीन स्टेप में आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल टाइम में 30 सेकेंड्स के भी पहले। Q प्लस आर होल कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट, Q प्लस आर होल कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट, Q प्लस आर ऑप्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट, Q प्लस आर होल कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए।
तो यहाँ पे अगर आप देखिए दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में, तो ये सिंगल स्टेप में आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो दो नैंड गेट, दोनों का आउटपुट एक थर्ड नैंड गेट में, तो ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर डॉट। देखो इतना एक्सप्लेन अगेन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये दोनों का डॉट पी क्यू प्लस क्यू आर ही होगा एक स्टेप में, हमको पता ही है, प्लस पी आर। तो एग्जाम में आप सीधे लिखोगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। तो अगेन ये स्टेप जो है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज एग्जाम में इसको लिखने की नीड नहीं है, एग्जाम में इसको लिखने की नीड नहीं है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब आप यहां पे देखोगे तो इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी फंक्शन, अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी फंक्शन, अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी फंक्शन, अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी फंक्शन। तो मेजॉरिटी फंक्शन का मतलब है अगर दोनों में से कोई भी दो अगर वन है या दो से ज्यादा तीनों वन है, उस केस में आपका आंसर वन होगा। मेजॉरिटी फंक्शन का ही मतलब है इफ मेजॉरिटी ऑफ इनपुट इज वन देन योर आउटपुट विल बी वन, इफ मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट इज वन देन योर आउटपुट विल बी वन। तो इसका आंसर होगा टू और मोर इनपुट्स अगर वन है तो आपका आउटपुट वन होगा, टू और मोर इनपुट्स अगर वन है। तो देखो अगर पी क्यू वन होगा तो भी आंसर वन है, अगर क्यू आर वन होगा तो भी आंसर वन है, अगर पी आर होगा तो भी आंसर वन है, अगर सभी के सभी पी क्यू आर वन होंगे देन ऑल्सो आंसर इज वन। सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is SOP and POS. This is SOP and POS. तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू समेशन एम एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4, 6, 7. अब जो जो मिन टर्म्स होते हैं वो मैक्स टर्म नहीं होते, या जो मिन टर्म नहीं होते हैं वो मैक्स टर्म होते हैं, जो मिन टर्म नहीं होते हैं वो मैक्स टर्म होते हैं. सॉरी, तो सॉरी, सो दिस इज 0, 1, 2 यहां आ गया, 3 एंड 5, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5 को आप 0, 1, 3, 5 को आप बाइनरी में लिखिए, 0000100111. सो ये होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो ये पीओएस है, तो जीरो में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, जीरो में नॉर्मल आता है, वन पे कॉम्प्लीमेंट होता है. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. तो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इस वे में एसओपी को हम पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं.
एक्सक्यूज मी सॉरी ऑप्शन ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया सॉल्व, कोई डाउट तो नहीं है? चल नेक्स्ट। ओके अगेन जस्ट एक ऑपोजिट है, पीओएस दिया है, पीओएस से एसओपी में चेंज करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट मतलब वन होता है, तो ये 001 है, ये 011 है, 100 है एंड 111। सो ये होगा 1 3 4 7 0 2 5 6। सो जो मैक्सिमम नहीं है वो मिन टर्म्स हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 0 2 होगा 010, 5 होगा 101, 6 होगा 110। सो अब सीधे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स है ए बी सी, तो एसओपी में ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो शॉर्टकट से आपको मिन टर्म्स निकालने हैं। तो ये देखिए पी क्यू और आर नहीं है, तो ये डोंट केयर हो गया। तो ये 1106 हो गया और 111 हो गया, तो ये मिन टर्म 67 हो गए। पी इज नॉट गिवन, क्यू इज इक्वल टू 1, आर कॉम्प्लीमेंट है तो 0 होगा। सो 010 का मतलब है 2 और 110 का मतलब है 6 और P इज इक्वल टू 1, Q इज डोंट केयर, R इज इक्वल टू 0। सो 100 इज 4 एंड 110 इज 6। तो ओके संदीप, पार्टिसिपेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग, एटीट्यूड इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, रिजल्ट सक्सेस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ठीक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। सो 2467 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2467 ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए बुलियन
अलजेब्रा लगा के आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यू नीड टू सिंप्लीफाई। तो पी प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, पी प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट डॉट R। ये देखिए R कॉम्प्लीमेंट डॉट R यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक है, एंड दिस इज, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट है, ये देखिए P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे, ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट डॉट Q। तो पहले दोनों में से P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट एक साथ आया, पहले और लास्ट में से P प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, पहले दोनों में R कॉम्प्लीमेंट डॉट R डॉट R कंबाइन हुआ, फर्स्ट और लास्ट में Q कॉम्प्लीमेंट डॉट Q कंबाइन हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये आ गया P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि R डॉट R कॉम्प्लीमेंट तो जीरो हो गया और Q डॉट Q कॉम्प्लीमेंट भी जीरो हो गया, सो दिस इज P प्लस R कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट, P प्लस Q कॉम्प्लीमेंट डॉट 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 R कॉम्प्लीमेंट। यस, बिल्कुल आप के मैप यूज करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कंफर्ट इंपॉर्टेंट इज कि मिनिमम टाइम में बनना चाहिए। अब आप जैसे भी उसको बनाओ इट इज योर विश, अल्टीमेटली मिनिमम टाइम में सही बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके ऊपर है, आप उसको जैसे भी बनाओ। तो P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट, ओके, सो ये एक फंक्शन आपको दिया है, मिनिमाइज करना है, ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। So, यहां पे अगर आप देखोगे तो सी कॉम्प्लीमेंट के चारों टर्म्स है, तो सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए बी के चारों कॉम्बिनेशन है, तो वो सीधे सीधे रिड्यूस हो जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ये टर्म जो बचा। सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए बी के चारों कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए बी के चारों कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए बी के चारों कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, या ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये आपका आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो ये हुआ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुड, चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक फंक्शन दिया है, इसको इंप्लीमेंट करना है दो टू इनपुट गेट से। सो ये देखिए, दो टू इनपुट गेट्स, दो टू इनपुट गेट्स, दो टू इनपुट गेट्स। तो मैक्स टर्म 0.5, मैक्स टर्म 0.5, मैक्स टर्म 0.5 मींस 000101 एंड वेरिएबल पी क्यू आर गिवन है, तो ये हुआ पी प्लस क्यू प्लस आर एंड ये हुआ पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से दोनों से क्यू कॉमन निकाल दो, तो Q प्लस P प्लस R एंड P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Q कॉमन है तो वो एक साथ आ गया और P प्लस R और P कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट मर्ज हो गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये आपका आ गया, ये आपका आ गया P XOR R। तो भाई एक गेट है XOR, XOR के बाद उसको और गेट से पास करना है, XOR गेट के बाद उसको और गेट से पास करने, XOR गेट के पास उसको और गेट से पास करने। तो कुछ बेसिक कंक्लूजन आपको यहां पे पता होने चाहिए, कुछ बेसिक कंक्लूजन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं A XOR B की बात कर रहा हूं, तो ये है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे अगर आप ए एक्स नॉर बी देखोगे, तो ये हुआ ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। सो ये आपका एक्स नॉर गेट और ये आपका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है। तो ये आपका एस ओ पी फॉर्मेट है, ये आपका पी ओ एस फॉर्मेट है, अगेन ये आपका एस ओ पी फॉर्मेट है एंड पी ओ एस फॉर्मेट है। तो किसी भी फंक्शन को आप एस ओ पी और पी ओ एस दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को आप दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पे मिन टर्म्स को एंड गेट और गेट से जब पास करते हैं तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एंड गेट से जब मैं पास करता हूं तो मुझे सिर्फ कॉमन मिन टर्म्स पास होते हुए दिखेंगे, और गेट से अगर मैंने पास कर दिया तो सारे के सारे टर्म्स पास हो जाते हैं और गेट से जब हम पास करते हैं। और जब हम नॉट गेट की बात करते हैं तो जो मिन टर्म्स नहीं है वो आपके मिन टर्म्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक यूनिवर्सल गेट को बेसिक गेट में ब्रेक करूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपका एक एंड गेट है और इस एंड गेट का आउटपुट एक नॉट गेट में जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया है कि ये नैंड गेट को दोनों बेसिक गेट में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज ये नैंड गेट को भी दोनों बेसिक गेट में कन्वर्ट करेंगे, ये नैंड गेट को भी दोनों बेसिक गेट में कन्वर्ट करेंगे, ये नैंड गेट को भी दोनों बेसिक गेट में कन्वर्ट करेंगे और ये आपका एक नॉट गेट है। ओके, तो अब आपको क्या क्या गिवन है यहां पे? सो देखिए, फंक्शन F1 में गिवन है 0.1, 3.5 और F2 में गिवन है 6.7 और फाइनल फंक्शन F जो आपको गिवन है 1, 4 एंड 5। तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको मैं रेड कलर से लिख लेता हूं। ठीक है, अब जो कैलकुलेट करेंगे लेट मी राइट डाउन इन द रेड कलर। सो देखो,
और गेट का, सॉरी नॉट गेट का इनपुट क्या क्या होगा? जो जो मिन टर्म्स नहीं है वो मिन टर्म्स बन जाते हैं, तो ये होगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 3, 6, 7. अब ये दोनों में से कैलकुलेट होगा, एंड गेट कॉमन मिन टर्म्स को पास करता है, कोई भी नहीं होगा तो ये नल आ जाएगा, कोई भी मिन टर्म पास नहीं होगा क्योंकि दोनों इनपुट में कोई भी कॉमन मिन टर्म नहीं है, गेट के दोनों इनपुट में कोई भी कॉमन मिन टर्म नहीं है, गेट के दोनों इनपुट में, गेट के दोनों इनपुट में कोई भी कॉमन मिन टर्म नहीं है, कोई भी कॉमन मिन टर्म नहीं। ओके, अब देखिए, अब एक भी मिन टर्म नहीं है तो नॉट गेट से पास करोगे तो सारे मिन टर्म आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कैलकुलेशन भी हो गया। अब मेरे भाई ये एंड गेट का आउटपुट 0, 2, 3, 6, 7 है, मतलब ये दोनों में कॉमन होने चाहिए तभी तो ये आगे जाएगा, सिर्फ इतने ही टर्म्स दोनों में कॉमन होने चाहिए, सिर्फ इतने ही टर्म्स मिन टर्म्स दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये भी आ गया 0, 2, 3, 6, 7, इतने ही टर्म्स दोनों में कॉमन होने चाहिए तो आ गया 0, 2, 3, 6, 7, 0, 2, 3, 6, 7, 0, 2, 3, 6, 7, 0, 2, 3, 6, 7, अब यहां से ये निकलेगा जो जो मिन टर्म्स नहीं थे 1, 4 एंड 5, तो 1, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। ओके, चलो तो ये आपका बूलियन अलजेब्रा भी, सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। यहां पे एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले हुए, ठीक है, तो अभी 1:55 हुआ है, 2:10 तक वी विल स्टार्ट शार्प 2:10 PM, ठीक है, सो 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, एकदम शार्प 2:10 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम शार्प। सो जल्दी से वापस आइएगा और 15 मिनट में हम अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ओके सो वेलकम बैक. सो चलिए कंटिन्यू करते हैं. ओके चलिए सो के मैप्स पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो के मैप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिवीजन करते समय कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने की नीड नहीं है. सीधा क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस के थ्रू ही हम रिवीजन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स का. ठीक है चलिए. सो ये आउटपुट एक्सप्रेशन आपको निकालना है के मैप का. तो अगर मैं एसओपी में ही कंटिन्यू करता हूँ तो ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए. ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक क्वाड आ जाएगा एंड दिस टर्म विल बी ए. ठीक है एंड यहां पे आपका यू विल हैव अनदर क्वाड. सो ये आएगा आपका सी कॉम्प्लीमेंट. तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी दैट इज ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट दैट इज परफेक्टली करेक्ट. सो ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज द आंसर. ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज द आंसर. तो देखिए रिवीजन कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं. अगर हम इसको पढ़ रहे होते तो फिर मैं आपको एसओपी पीओएस पूरी प्रैक्टिस करवाता. अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं. दैट इज सिंपली वी विल फोकस ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं. चलिए सो यहां पर आपको मिन टर्म्स की लिस्ट दी हुई है और आपको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पूछा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि चारों ऑप्शन पीओएस के फॉर्मेट में है. चारों ही ऑप्शंस पीओएस के फॉर्मेट में है. ऑल द फोर ऑप्शंस आर इन पीओएस फॉर्मेट. ठीक है पीओएस के फॉर्मेट में. तो सबसे पहले तो पीओएस का के मैप बना ले. ओके सो एबीसीडी. सो ये आपका हो जाएगा सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी. सेल नंबर्स विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. हाँ ऋतिक यस चल रहा है. सो यहां पे मिन टर्म से सबसे पहले आप मैक्स टर्म कैलकुलेट करो. सो योर मैक्स टर्म लिस्ट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ठीक है, तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं मैक्स टर्म को. ये मैक्स टर्म 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 13, 14 एंड 15. अब आप यहां पे अगर देखोगे अच्छे से तो ऑप्शंस देख के आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस देख के आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चार क्वाड बनेंगे. ठीक है, चार क्वाड बनेंगे. ठीक है, चलिए जल्दी से चार क्वाड बनाइए एंड आंसर नोट डाउन कीजिए. चार क्वाड बना लीजिए. यहां पे एक ये क्वाड बनेगा एंड दिस क्वाड इज सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी. ठीक है, अगला क्वाड अगर हम देखेंगे तो दिस क्वाड एंड दिस क्वाड इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट अगर हम क्वाड देखेंगे तो ये क्वाड आ गया एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. और लास्ट क्वाड अगर देखेंगे सो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी. सो आंसर इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, C complement plus D, A complement plus C and B complement plus C. तो कौन सा ऑप्शन बोले, ऑप्शन ए आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए चलिए, सो के मैप की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये बूलियन से भी सॉल्व हो सकता है बट अभी मैंने आपको के मैप के टॉपिक में दिया है तो हमारा फोकस है के मैप को प्रैक्टिस करना. तो प्लीज सॉल्व इट यूजिंग के मैप. और आपको क्लियर कट बोला है मिनिमल एसओपी, तो आपको एसओपी वाला ही फॉर्मेट बनाना है. तो के मैप जो आप यूज करेंगे वो एसओपी वाला ही होगा, के मैप जो आप यूज करेंगे वो एसओपी वाला ही होगा. तो P Q R S, सो P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q, P Q, P Q कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट, R कॉम्प्लीमेंट S, R S, R S कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए इसमें अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कुछ क्वेश्चन जो सब लोग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितने आसानी से और कितने कम समय में बनाते हैं. मिनिमम टाइम में जो सॉल्व करते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि वी हैव टू सॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम.
तो अब देखिए, इसको पहले आपको प्लॉट मिनिमम टाइम के लिए, आप देखिए मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखा है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नंबर्स की नीड नहीं पड़ेगी, सेल नंबर्स की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो पहले पी क्यू को अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है, तो ये देखिए ये आपका पी क्यू हो गया, ठीक है, ये पी क्यू हो गया, या इसको मैं एक सेकेंड, ये पी क्यू आ गया, पी क्यू के चार मेन टर्म्स, तो देखो पी क्यू के चार मेन टर्म्स, फिर पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ आ रहे, तो ये देखिए पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ आ रहे, पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ आ रहे, और पी कॉम्प्लीमेंट क्यू के साथ आर कॉम्प्लीमेंट एस, आर कॉम्प्लीमेंट एस, ये देखिए, तो ये आपका आ गया। अब आपको इसमें ग्रुपिंग करनी है, यू हैव टू चेक फॉर द मिनिमम पॉसिबल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे क्वाड दिख जाएगा, ये देखिए ये क्वाड आ गया पी क्यू, सो दिस इज द फर्स्ट बेस्ट पॉसिबल ग्रुप। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक और क्वाड आ गया, सो दिस इज क्यू एस, और यहां पे एक और क्वाड आ गया, दिस इज क्यू आर। सो इसका जो आंसर आएगा पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। एक फंक्शन दिया है मैक्स टर्म की लिस्ट के फॉर्मेट में, एक फंक्शन आपको दिया है मैक्स टर्म की लिस्ट के फॉर्मेट में, और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन पूछा है। अब दिक्कत की बात यह है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मिनिमाइज्ड पीओएस के फॉर्मेट में दिख रहा है, और बी और सी मिनिमाइज्ड एसओपी के फॉर्मेट में दिख रहा है। इफ ऑल दी फोर ऑप्शंस आर एसओपी, वी नो कि वी हैव टू गो बाय एसओपी। इफ ऑल दी फोर ऑप्शंस आर पीओएस, वी नो कि वी हैव टू गो बाय पीओएस। बट ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दो बार सॉल्व करना पड़े। आप मान लीजिए पहले एसओपी से सॉल्व करते हैं और दोनों एसओपी मैच नहीं करते, या आप पहले पीओएस से सॉल्व करते हैं और दोनों पीओएस मैच नहीं करता है। इन बोथ दी केसेस आपको सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, एसओपी में या पीओएस में, दोनों ही वे में सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका एक बेटर ऑल्टरनेट ये होता है, कि आप इसको देखोगे तो दो और दो ये फोर मिन टर्म्स है, ये दोनों में अगर आप देखोगे तो चार मिन टर्म्स हैं, और ये दोनों में आप देखोगे तो चार मैक्स टर्म है। अब वो कौन से मैक्स टर्म है कौन से मिन टर्म है वो बात नहीं है, बात ये है कि चार मिन टर्म्स है और चार मैक्स टर्म है, चार मिन टर्म है और चार मैक्स टर्म है। यहां पे क्वेश्चन ए और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है, दो ही ऑप्शन बचते हैं बी और सी, दो ही ऑप्शन बचते हैं बी और सी। उसमें भी शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, तो देखो पहला ए इज इक्वल टू वन, बी इज नॉट गिवन, सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू वन। ये पहला वाला ए वन, बी इज नॉट गिवन, सी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू वन। तो इसके कौन कौन से दो मिन टर्म्स आएंगे, वन डबल जीरो वन का मतलब है नाइन, वन वन जीरो वन का मतलब है थर्टीन। क्या 9 और 13 मिन टर्म्स हैं? नहीं, 9 मैक्स टर्म है, ये भी गलत हो गया। सी हैज टू बी करेक्ट, चलो एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, तो सी हैज टू बी द करेक्ट, अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है तो। एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सो देखिए पहला ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो, बी इज नॉट गिवन, सी इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू जीरो।
00102 हो गया, 01106 हो गया, 2 and 6. क्या 2 और 6 मिनटर्म है? यस, बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट देखो 1010, क्या 10 एक मिनटर्म है? यस, 10 एक मिनटर्म है. और अब आप उसको लास्ट में देखिए 1008, क्या 8 एक मिनटर्म है? यस. कौन कौन से मिनटर्म्स हैं? यहां से अगर आप मिनटर्म्स लिखोगे तो ये देखिए 01 ये 2 हो गया, 3, 4, 5 ये 6 हो गया, 7 ये 8 हो गया, 9 ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 6, 8, 10. तो ध्यान से देख लो, ये आ गया 2, 6, 8, 10. ऑप्शन सी इज 100% द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज 100% द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज 100% द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हो गया, सॉल्व हो गया. ठीक, यहां पे लग रहा था. ठीक है, सॉल्व हो गया. देखते एक बार वो अटक क्यों है बार बार. हो गया वैसे ठीक, बट आप लोग को वीडियो स्मूथ चल रहा है? हाँ, नीचे से
क्या हुआ था? भैया आधे घंटे के अंदर लगाऊंगा, बिजी हूँ थोड़ा, अभी आधे घंटे के अंदर लगाऊंगा। हो गया, चलो दिखा दो कमेंट। ओके सो एक बार जस्ट कमेंट कर लीजिए कि अभी सब ओके है, कोई लैग नहीं कुछ नहीं। ऑल ओके ना? ठीक है, चलो ठीक है, गुड। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों पे चालू हो गए ना, उस वाले चैनल पे भी, राइट? ओके ठीक है, स्टार्ट करें। एक दूसरे चैनल पे भी एक बार चेक कर लें, एक और सेकंड चैनल पे जो पैरेलल चल रहा है तो उसको भी। चालू करूँ कि वेट करूँ? चालू करूँ? ठीक है चलिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसमें नंबर ऑफ मिन टर्म्स निकालने, ठीक है? और ये होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस फंक्शन इज डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो पहली चीज ये होल कॉम्प्लीमेंट को यहां ले आओ तो ये एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, विच इज डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। एफ कॉम्प्लीमेंट के मिन टर्म्स निकाल लेते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट गिवन, सी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू वन, तो ये आ गया वन एंड फाइव, और
इसको देखोगे तो a इज इक्वल टू वन, b इज नॉट गिवन, c इज इक्वल टू जीरो, d इज इक्वल टू वन. सो 9 1001 इज 9 एंड 1101 इज 13. तो 9 एंड 13 एंड a इज इक्वल टू जीरो, b इज नॉट गिवन, c इज इक्वल टू वन एंड d इज इक्वल टू जीरो. a इज इक्वल टू जीरो, b इज नॉट गिवन, c वन एंड d इज नॉट गिवन. तो 0010 इज 2, 0011 इज 3, 0110 इज 6, 0011 इज 7. तो 2 3 6 7. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c d इज नॉट गिवन. 8 9 10 11, 8 9 10 11 एंड फाइनली दिस इज a इज नॉट गिवन, b इज नॉट गिवन, c इज नॉट गिवन एंड d इक्वल टू 0. तो लास्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, मतलब इट विल कंटेन ऑल द इवन टर्म्स. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है मीन ओके अब एक बार चेक कर लीजिएगा, अब आई थिंक होगा. सो देखो मैं बोल रहा था कि एफ कॉम्प्लीमेंट में सारे मिन टर्म्स को अगर मैं जोड़ दूंगा, अबे बैटरी लो हो गई, दिन में 2 बार हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, सुबह से 2 बार चेंज किया बैटरी ऑफ होके. हाँ सो यहाँ पे आप देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट जो है अगर मैं सारे मिन टर्म्स को ऐड कर दूँ तो 0 से 14 तक ये सारे मिन टर्म्स आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि f के मिन टर्म्स कौन से होंगे जो f कॉम्प्लीमेंट का नहीं था, मतलब एक ही 15. तो f में मिन टर्म नंबर 15 प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन था कितने मिन टर्म्स हैं. सो आंसर इज 1, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. और वो कौन सा मिन टर्म है, दैट मिन टर्म इज मिन टर्म नंबर 15 एंड हाउ मेनी मिन टर्म्स, आंसर इज 1. हाउ मेनी मिन टर्म्स, एंसर इज 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके सो ये डोंट केयर से रिलेटेड है एंड यू हैव टू फाइंड द मिनिमल फॉर्म, मिनिमल फॉर्म ऑफ द फंक्शन, मिनिमल फॉर्म ऑफ द फंक्शन मिनिमाइज करना है आपको. तो अगेन ऑप्शंस एसओपी फॉर्मेट में ही है, तो एसओपी एक्सप्रेशन एसओपी वाले के मैप वाले फॉर्मेट में ही यूज करोगे. सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी सी डी कॉम्प्लीमेंट.
ओके सो यहाँ पे आपका एक क्वाड आएगा दिस वन. सो ये जो क्वाड आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस डोंटकियर को अगर मैं वन ले लूँगा तो ये कॉर्नर क्वाड आ जाएगा. ये देखिए ये कॉर्नर क्वाड आ गया विच इज़ बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट. एंड इन दोनों डोंट केयर को मैं ज़ीरो ले लूँगा, क्योंकि डोंट केयर को ज़ीरो वन हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से. कन्वीनियंस इन द सेंस वी शुड गेट द मिनिमम पॉसिबल मिनिमाइज्ड आंसर. तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों डोंट केयर को आपको ज़ीरो करना है. दैट मीन्स ये आपके आंसर में टर्म नहीं मिलेगा, ये आपके आंसर में टर्म नहीं मिलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके सो ये आपको मिन टर्म्स और डोंट केयर दिए हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म पूछे. मिनिमाइज्ड फॉर्मेट जो पूछा है वो पीओएस फॉर्मेट में पूछा है. तो मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्मेट के लिए सबसे पहले मिन टर्म्स को मैक्स टर्म में करना होगा. अभी तक मेरा स्टेटमेंट होता था कि जो मिन टर्म्स नहीं है वो मैक्स टर्म्स होंगे. बट अगर डोंट केयर भी है आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में डोंट केयर भी है तो अब आपका स्टेटमेंट होगा जो मिन टर्म और डोंट केयर नहीं होगा वो मैक्स टर्म होगा. सो यहाँ पे आपके मैक्स टर्म होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, क्योंकि जो डोंट केयर है वो भी मैक्स टर्म नहीं होगा. ठीक है सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अब देखो ये मैक्स टर्म आ गए. जो मिन टर्म्स और डोंट केयर नहीं है वो मैक्स टर्म आ गए. अब डोंट केयर मिन टर्म्स को भी सपोर्ट करता है, डोंट केयर मैक्स टर्म्स को भी सपोर्ट करेगा. सो दिस विल बी पाई डी एंड 5, 6, 11, 15. सो डोंट केयर जैसे मिन टर्म्स को सपोर्ट करता है वैसे ही मैक्स टर्म को भी सपोर्ट करेगा. तो यहां पे आपका पीओएस के मैप बना लो, पीओएस के मैप बना लो, पीओएस के मैप बना लो. ओके वेरिएबल्स आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड. सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So, max terms are 4, 9, 12. So, 4, 9, 12, 13, 14, 13, 14. Or don't care, 5. 6, 11, 15. सो ये आपका के मैप का स्ट्रक्चर भी बन गया और के मैप को आपने फिल भी कर दिया. ये आपका के मैप का स्ट्रक्चर भी बन गया, ये आपका के मैप में फिल भी कर दिया. आज के लिए अगर कोई पूछ रहा है कि रिपल क्या भी एडर वाला, तो नो आज नहीं हो पाएगा. ठीक है तो अगर आप उसी का वेट कर रहे हो देन यू कैन लीव. रिपल क्या भी एडर नहीं हो पाएगा आज. ओके सो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप के मैप को डायरेक्टली देखोगे कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि तीन क्वाड बनेंगे. अगर आप के मैप देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कहीं ना कहीं कि भाई तीन के मैप से बनेगा, तीन क्वाड से बनेगा. लेकिन अच्छी बात इस क्वेश्चन में आपकी किस्मत अच्छी है कि चारों ऑप्शन दो क्वाड में है. तो एटलीस्ट आपको यह पता है कि दो क्वाड से बनेगा.
एटलीस्ट आपको ये पता है कि दो क्वाड से बनेगा, एटलीस्ट आपको ये पता है कि दो क्वाड से बनेगा, एटलीस्ट आपको पता है कि दो क्वाड से कंप्लीट होगा। तो भाई आपको टारगेट ही है कि दो क्वाड से होगा, तो दो क्वाड से बनाने का ट्राई करो, देखते हैं दो क्वाड से कैसे बनेगा। ये देखो, दो क्वाड से ऐसे बनेगा कि एक ये जो क्वाड है ये है W कॉम्प्लीमेंट प्लस Z कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद दिस वन, तो इट इज X कॉम्प्लीमेंट प्लस Z। तो X कॉम्प्लीमेंट प्लस Z, X कॉम्प्लीमेंट प्लस Z, W कॉम्प्लीमेंट प्लस Z कॉम्प्लीमेंट, X कॉम्प्लीमेंट प्लस Z, W कॉम्प्लीमेंट प्लस Z कॉम्प्लीमेंट। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? X कॉम्प्लीमेंट प्लस Z, W कॉम्प्लीमेंट प्लस Z कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सीलेंट। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ऑप्शंस अगर आप नहीं देखेंगे तो जनरली ये एक ऐसा के मैप है जिस पे मैंने जनरली स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखा है कि तीन ग्रुप से कंप्लीट करते हैं, बट यहाँ पे दो ही ग्रुप से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसलिए मेरे को एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये एक अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, गेट एग्जाम में आया हुआ जो आज तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया होगा तो बहुत लोगों ने मिस्टेक की होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है, हमेशा हमको सिखाया गया है कि सबसे बड़े ग्रुप से स्टार्ट करना है, जो कि जनरली करेक्ट भी होता है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ये चार पेयर बना दोगे तो आपको सेंटर क्वाड की नीड नहीं पड़ेगी। सेंटर क्वाड रिडंडेंट है, देयर इज नो नीड ऑफ सेंटर क्वाड, तो आपके आंसर में क्यू एस वाला टर्म नहीं आएगा, आपके सेंटर में ये क्यू एस। आप अगर देखेंगे तो आप इसको सबसे पहले ऑप्शन ए बनाओगे, बट ये क्यू डॉट एस नहीं आएगा। तो अब अगर क्यू एस नहीं आएगा तो ये चार पेयर से विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से आप ही बता दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से आप बता दीजिए, टेल मी द आंसर। चार पेयर से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर, गुड, डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर, यस डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर, चल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये क्वेश्चन है, के मैप दिया है डोंट केयर के साथ, और जो फंक्शन आएगा उसको बनाना है टू इनपुट नॉर गेट्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल अवेलेबल है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको यूज होता है तो आपको उसके लिए कोई भी गेट यूज करने की नीड नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट रेडिली अवेलेबल है, उसके लिए कोई एडिशनल गेट की नीड नहीं पड़ेगी, उसके लिए कोई एडिशनल गेट की नीड
नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ एडिशनल गेट्स फॉर दैट। सो यहां पे एक ही क्वाड रहेगा, तो उसके पहले आप लिख सकते हो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ए बी ए कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट सी डी सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका टर्म आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, सो योर फंक्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट सी आपको बनाना है और टू इनपुट नॉर गेट यूज करके ही बनाना है, टू इनपुट नॉर गेट यूज करके ही बनाना है। यस, सो कितने गेट लगेंगे, हाउ मेनी गेट्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी गेट्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी गेट्स विल बी रिक्वायर्ड। सो एक आंसर आ रहा है थ्री गेट्स, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, दूसरा आंसर भी थ्री गेट्स। आकाश, मोनाली, कुशवाहा, शिवेंद्र, आनंद ने तीन बोला है, ललित यादव ने दो बोला है। अमरजीत इज ऑल्सो सेइंग थ्री, महेश इज ऑल्सो सेइंग थ्री, कुंदन इज ऑल्सो सेइंग थ्री, सिद्धार्थ इज ऑल्सो सेइंग थ्री, और कोई, मनीष इज सेइंग वन, मनीष इज सेइंग वन, तो कुशवाहा, मोनाली, आकाश, अमरजीत, महेश, कुंदन, सिद्धार्थ, आई होप कि आप लोग में से कोई भी मेरा फुल कोर्स का स्टूडेंट नहीं है, मतलब मुझसे फुल कोर्स नहीं पढ़ा है, पीडीजीडी वीओडी टैब ये सब कोर्सेस नहीं है आपके। सचिन बोल रहा है दो, सुनील इज सेइंग टू, विकास इज सेइंग टू, तो सचिन, सुनील और विकास, आई होप कि आप भी मेरे पीडीजीडी वीओडी के स्टूडेंट नहीं है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप ए कॉम्प्लीमेंट सी को लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट सी का डबल कॉम्प्लीमेंट? यशांक इज सेइंग वन, क्या आप लिख सकते हो किसी भी फंक्शन में डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो? ओके ललित, थैंक यू डियर, थैंक यू। अब डी मॉर्गन अप्लाई करो तो ये ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये फंक्शन आया समझ में, ये एफ की वैल्यू आ गई समझ में। तो अगर आप देखोगे तो भाई, अगर मैं नॉर गेट में, अगर मैं नॉर गेट में ए और सी कॉम्प्लीमेंट को पास करता हूं तो ये आपका आ गया ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इस फंक्शन एफ। तो भाई एक ही नॉर गेट से आ गया, आंसर इज वन, आंसर इज वन, टू इनकरेक्ट थ्री इनकरेक्ट, एक ही गेट से बन जाएगा, एक ही गेट से बन जाएगा, एक ही गेट से बन जाएगा। यस यस ललित, परफेक्ट। चलो जल्दी से बता दो, हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। तो आंसर इज वन, करेक्ट। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके
चलिए प्राइम इम्प्लीकेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके सबसे पहले आप इसका के मैप बनाएंगे, तो तीन वेरिएबल का के मैप है। सो ए बी सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी का मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट सी का मतलब है ये दो टर्म्स आ गए, ए सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये दो टर्म्स आ गए, और बी कॉम्प्लीमेंट सी का मतलब है ये दोनों। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया है, फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिया, फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिया, फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिया, फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिया। उसके बाद प्राइम इम्प्लीकेंट्स की लिस्ट बनाओगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स की लिस्ट बनाओगे, उसके बाद प्राइम इम्प्लीकेंट्स की लिस्ट बनाओगे। प्राइम इम्प्लीकेंट्स की लिस्ट मतलब बेस्ट ग्रुप, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप, प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब बेस्ट पॉसिबल ग्रुप। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चलो इसके मैं नंबर्स भी लिख लेता हूँ, डिस्कशन में हेल्प होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसके ग्रुपिंग होगी, एक तो होगा 1.3 बन सकता है, 4.5 भी बन सकता है, 4.6 भी बन सकता है, 1.5 भी बन सकता है। सो ये देख लीजिए 1, 3, 4, 5, 4, 6, 1, 5, इससे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल ग्रुप नहीं बन सकते, इससे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल ग्रुप नहीं बन सकते, इससे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल ग्रुप नहीं बन सकते। अब आप यहां पे हाईलाइट करो, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो भाई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब है वन टू टाइम्स अपियर है, छोड़ दो, ये थ्री सिंगल अपियरेंस है और सिक्स भी सिंगल अपियरेंस है। तो ये दोनों आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, ये दोनों आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे। 1.3 कौन सा है, 1.3 है ए कॉम्प्लीमेंट सी, और 4.6 है ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। 3 और 6 को मैंने इसीलिए मार्क स्टार मार्क किया है क्योंकि वो एक ही टाइम अपीयर है, 1 को नहीं किया क्योंकि देखो 1 2 टाइम्स है, 4 को नहीं किया क्योंकि 4 2 टाइम्स है, 5 को नहीं किया क्योंकि 5 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 प्राइम इम्प्लीकेंट है, दिस फंक्शन कंटेन्स 4 प्राइम इम्प्लीकेंट आउट ऑफ विच 2 आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, आउट ऑफ विच 2 आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। चलिए हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके सो अगेन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स चाहिए, तो भाई पहले तो के मैप बना लो, और के मैप के बाद प्राइम इम्प्लीकेंट की लिस्ट बना लेंगे, और प्राइम इम्प्लीकेंट की लिस्ट के बाद एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी बना लेंगे।
ओके डब्ल्यू एक्स वाई जेड सेल के नंबर्स भी लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15. सो डब्लू वाई, सो डब्लू वाई के लिए देखोगे ये डब्लू है और डब्लू वाई का मतलब है ये चार मिन टर्म्स, ये देखिए डब्लू वाई का मतलब है ये चार मिन टर्म्स. एक्स वाई का मतलब है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये चार मिन टर्म्स आ गए एक्स वाई में. डब्लू कॉम्प्लीमेंट एक्स के साथ वाई जेड, ये सेवन ऑलरेडी हो चुका है. डब्लू कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई, तो ये टू एंड थ्री भी आ गया. एक्स जेड का मतलब है सेंटर क्वाड, तो फाइव और थर्टीन भी ऐड हो गया. और एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये दो मिन टर्म्स भी आ गए. तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिए. सबसे पहले फंक्शन को के मैप में प्लॉट कर दिए. उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइम इंप्लीकेंट्स की लिस्ट चाहिए मुझे. तो प्राइम इंप्लीकेंट की फर्स्ट लिस्ट होगी ये, देखिए ये ऑक्टेट 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. तो ये देखिए ये आपका ऑक्टेट आ गया, ये ऑक्टेट आ गया. इस ऑक्टेट के बाद दो क्वाड है, एक सेंटर क्वाड और एक कॉर्नर क्वाड. तीन ही प्राइम इंप्लीकेंट है. एक ऑक्टेट है और दो क्वाड है, क्वाड सेंटर क्वाड एंड कॉर्नर क्वाड. तो सेकेंड सेंटर क्वाड अगर मैं लिखूंगा तो 5, 7, 13, 15 एंड कॉर्नर क्वाड अगर मैं लिखूंगा 0, 2, 8, 10. ये ऑक्टेट का नाम क्या है? ऑक्टेट का नाम है वाई. ये ऑक्टेट का नाम है वाई टर्म, मतलब ऑक्टेट के लिए टर्म कौन सा है? वाई टर्म है. सेंटर के लिए, सेंटर क्वाड के लिए एक्स वाई है और कॉर्नर क्वाड के लिए एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट. एक्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सेंटर वाला एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड, सेंटर वाला एक्स जेड, सॉरी. सो एक्स जेड और ये एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें आपको चाहिए सिंगल अपीयरेंस. सो टू मल्टीपल अपीयरेंस है, थ्री सिंगल है. अब देखो और भी सिंगल अपीयरेंस हो सकता है लेकिन मुझे एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है. ये एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट डिक्लेयर हो गया. अगर एक टर्म में एक भी स्टार आता है तो वो एसेंशियल हो गया, और अगर एक स्टार आए कि पांच स्टार आए उससे कोई मतलब नहीं है. कितने भी स्टार हो वो टर्म एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल है, एक स्टार से भी एसेंशियल हो जाता है. अब देखो फाइव अगेन सिंगल अपीयरेंस, ये भी आपका एसेंशियल हो गया. जीरो सिंगल अपीयरेंस, ये भी एसेंशियल हो गया. हो सकता है तीनों में और भी स्टार हो बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, तीनों के तीनों एसेंशियल है. तो y, x, z और x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, d for Delhi is the correct answer. D for Delhi is the correct answer.
आंसर। चलिए सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग अभी हैं सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, और जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो सभी लोग भी सेशन को लाइक करेंगे। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए जितने लोग देख रहे हैं सब, बाद में भी जो रिकॉर्डेड देखेंगे उन लोग भी सेशन को लाइक कीजिएगा, उन लोग भी सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक कर दो सभी लोग, एक लाइक बटन प्रेस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ तो ये आपका के मैप शानदार तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। के मैप आपका कंप्लीट, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें क्या कवर होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कल 15th of January 12 PM अगेन आफ्टरनून 12 PM, ठीक है, कल दोपहर को 12 बजे हम फिर से मिलेंगे। जैसे आज हमने स्टार्ट किया था 12 बजे, कल हम फिर से मिलेंगे। तो हमारा के मैप हो चुका है, के मैप तक हो चुका है, आई शुड से लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, प्राइम इम्प्लिकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट हो गया है। आगे के टॉपिक्स में कल हम स्टार्ट करेंगे 15th of January सेम टाइम 12 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, और कल मिलेंगे अगेन सेम टाइम 12 बजे, और कंटिन्यू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी को, कंटिन्यू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी को, ठीक है। ओके, थैंक यू।